एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल मैंने पूरे रूम की अपने सफाई की और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना वेडिंग एल्बम। तो वेडिंग एल्बम मेरा, मेरी शादी को अब 6 साल हो जाएंगे, 21 जैन को, तो 6 साल हो जाएंगे। तो अभी तक मेरी एल्बम मेरे मम्मी पापा के पास ही थी दिल्ली में। तो मेरी एक ही तरफ की एल्बम बनी हुई है, दोनों तरफ की नहीं बनी हुई है, मतलब हस्बैंड की तरफ की बनी हुई है। तो अभी तक वहीं पे ही थी, तो वहां से आ ही नहीं पा रही थी। तो अब की भाई की शादी में मम्मी पापा ले ही आए। तो आज मैं आप लोगों को अपनी वेडिंग एल्बम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छा बना हुआ है मेरा वेडिंग एल्बम। तो अभी सुबह हो गई है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो आज मैंने पहनी है ग्रीन साड़ी, तो आज ग्रीन साड़ी मैंने पहन रखी है और रेड स्वेटर डाला हुआ है। और अभी सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है। कल हस्बैंड नहीं आए थे मेरे, तो वहीं पे ही रुक गए थे अपने फ्रेंड्स के पास, रायबरेली में ही। तो अभी तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं है जाने का, तो अभी 23 को ही हम जाएंगे। क्योंकि अगर मेरा एग्ज़ाम होता है 23 को, तो मैं 23 को एग्ज़ाम देके और फिर चले जाऊंगी। और अगर कैंसिल होता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कैंसिल भी हो सकता है मेरा एग्ज़ाम, तो अगर कैंसिल होगा तो फिर मैं संडे को चले ही जाऊंगी फिर। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज है एकादशी और अम्मा और पापा का फास्ट है और मैं और मम्मी ही हैं घर पे खाना खाने वाले। तो अब दोनों लोग के लिए वही फास्ट वाला भी खाना बनाएंगे और थोड़ा सा कुछ बना लेंगे, वेदांशी भी खा लेगी। तो मैंने आलू चढ़ा दिए, तो आलू और व्रत वाला ही, फास्ट वाला ही सारा खाना बनाऊंगी। तो हम दोनों लोग भी वेदांशी हाई कर रही है, तो मैं और मम्मी भी वही खा लेंगे। और वेदांशी के लिए थोड़ा सा दाल चावल बना देंगे। दाल चावल खाओगी ना बेटू? दाल चावल खाओगी? ठीक है, चलो अपन नहला दे। ठीक, दो वेदांशी किचन सेट से दाल चावल बनाए जाएंगे ना। चलो आपका किचन सेट दे दें, आप दाल चावल बना दो। वेदांशी का किचन सेट है ये ना। वेदांशी जब छोटी थी ना तो बहुत सारा खेलती थी किचन सेट ना। आपको टेंट हाउस भी निकाल दें क्या? चलो ठीक है, टेंट हाउस भी आपको निकाल देंगे। तो सभी लोग चाय पी चुके हैं और अम्मा नहा के चाय पीती हैं, तो अम्मा के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है मैंने, और चाय बन रही है। तो वो देखिए, ये लोग की गोल वाली, ये मतलब मेरे हस्बैंड ने लगाया था पेड़। तो हमारा नया घर है, उसके छत के ऊपर पेड़ लगाए थे, तो उसमें काफ़ी सारी धनिया लहसुन बहुत सारा होता था। और ये लौकी, इससे भी बड़ी बड़ी लौकी उसमें हुई थी, तो अभी भी बहुत सारी लौकी उसमें है। ये गोल वाली बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही मुलायम होती है खाने में। तो बहुत, तो जब वेदांशी जब होने वाली थी तो भी इन्होंने लगाया था। तो मतलब ये लगा देते हैं सब्जियों के पेड़ या कुछ भी, तो बहुत ही अच्छा होता है वो और बहुत ज़्यादा फलता है मतलब। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना वेडिंग एल्बम। तो ये दो है, मतलब ऐसे दो बैग हैं इसमें, तो दो एल्बम बनी हुई हैं। तो रस्में भी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फिर फोटोज़ बन जाती हैं। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। तो ये फ्रंट है मेरे वेडिंग एल्बम का, तो कुछ ऐसा बना है। और तो ये हम दोनों की सेम सेम हो गया था, सेम सेम मैचिंग मैच कर गया था, बट हम दोनों को पता नहीं था क्योंकि हम दोनों लोग हम कभी बात नहीं किए थे। तो 1 साल शादी को तय हुए हो गया था हम लोगों का, बट हमने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की थी। और ये पता नहीं था कि ये क्या पहनेंगे, मैं क्या पहनूंगी, बट फिर भी सभी लोग कह रहे थे जैसे तुम लोगों ने मैच किया हुआ है अपने
लहंगा को और शेरवानी को, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब मैं नेक्स्ट ओपन करती हूँ। तो इसमें डेट और नेम मेंशन नहीं किया है इन्होंने। तो ये फ्रंट पेज है और मेरा लहंगा कुछ इस तरीके से था, रेड टमाटरी रेड कलर का था। तो फोटो अच्छी बनाई है काफी। तो ये एक बार तो हम लोग जब देखना हुआ था तब मिले थे, और सेकंड टाइम ही हमारा हम मिले थे, सेकंड टाइम हम वरमाला के टाइम मिले थे एक दूसरे को। तो मैंने बहुत सारे मतलब पोज दिए थे। तो ये तिलक वाली फोटो खुल गई है। तो तिलक में कुछ ऐसा लुक था इनका। दूसरा मैंने वेडिंग एल्बम खोला क्योंकि वो वाला उसमें तिलक मायन और भी मतलब लड़के पक्ष के मतलब रस्में हैं उसमें। तो मैंने सिर्फ जयमाला और वही दिखाऊंगी आपको। तो ये वाली पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये जैसे ज्वेलरी को गोल्डन में कर दिया है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये अच्छा लग रहा था। तो इतने सारे पोज, पहले तो स्टेज पे ही करवा लेते हैं और फिर बाद में अंदर करवाया था उसे। तो ये सब मेरे भाई हैं और बहन सब लेके जा रहे थे। तो जब आप शादी करते हो ना, ये सारी बहनें हैं खड़ी हैं मेरी। तो बहुत दिन बाद एल्बम आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो पूरे 6 साल बाद ये एल्बम आई है मेरे पास। मैंने दिल्ली में ही रखी थी मम्मी पापा के पास। तो यहाँ माला ये नहीं पहन रहे थे और मैंने जबरदस्ती फिर डाला था वरमाला। तो ये मैं दिखा देती हूँ, हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हुई थी। और तो हमारी रिंग सेरेमनी स्टेज पे ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सेकेंड टाइम ही हम मिले हैं, तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि गोद भराई या कुछ भी हुआ हो, एंगेजमेंट तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो हमारी एंगेजमेंट भी स्टेज पे ही करवा दी गई थी। और मेरी रिंग इतनी बड़ी लोग लेके आए थे कि वहीं पर गिर गई थी, तो फिर मिल भी गई थी। तो ये पूरी फैमिली है ससुराल वाली। तो ये जेठ जेठानी, ये बुआ सास है, ये उनके लड़के, ये ननंद, ये देवर और ये छोटी बुआ सास और ये उनकी बेटी, तो सब लोग हैं इसमें। ये मेरे ससुर हैं। ये मेरे बड़े ससुर हैं, दादा ससुर। ये जेठ जेठानी, ये ननंद नंदोई। तो ये मेरे मम्मी पापा, सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, पहले वर पक्ष के फिर वधू पक्ष के, सभी लोग आते हैं आशीर्वाद देने। ये मेरे मौसी मौसा, तो इनसे तो आप काफी बार मिल चुके होंगे,
क्योंकि मैं इन लोगों के घर ज़्यादा आती जाती हूँ। ये मेरी सिस्टर है, तो इसे तो अभी आप नहीं मिले हैं, तो मैं दिल्ली जाऊँगी तभी इन सबसे मिलेंगे। तो ये मेरी सिस्टर है, यार एक ही सिस्टर है और एक ब्रदर है मेरे। ये मेरे मामी मामा, दोनों मामी मामा। तो ये फेरू के टाइम की, मतलब कन्यादान के टाइम की पिक्चर है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी एल्बम है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको। और ये इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो कम्बल उड़ाया गया था। तो सब पाँव पूछते हैं, तो पूरी रात इसमें ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि बार बार पैर गीला करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और सिर्फ पाँव पूज वाली रस्म ही पूरा शाम मतलब सुबह तक चलती है, उसके बाद सुबह कहीं 5-6 बजे फेरे होते हैं। तो पाँव पूजने वाले लोग ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें ही इतना टाइम हो जाता है। एकदम बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र वाली रस्म हो चुकी है, बैठे बैठे भूत सा बन जाना होता है। तो ये जेठ हैं और ये नंदोई। तो ये कोबर वाली रस्म है हमारी। तो ये विदाई का है, बीच में और भी रस्में थी बट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो खिचड़ी की, थाली की, बहुत सारी रस्में होती हैं। और ये विदाई का है पूरा। तो विदाई में तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कभी भी अगर अपना वो देख लो वीडियो, तो उसमें तो इतना ज़्यादा मतलब फिर से ही आंसू आ जाते हैं कि मतलब दोबारा से जैसे विदाई हो रही हो। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी अपने ससुराल, और यहाँ मेरा वेलकम हो रहा है। तो यहाँ से हो गया वीडियो एंड, एल्बम एंड हो गया है। यहाँ कोबर हो रहा है ये ससुराल में। और ये एल्बम मेरा, आपको मेरा वेडिंग एल्बम अच्छा लगा होगा। दो थे तो मैं पूरा नहीं दिखा पाई, एक ये है और एक ये वाला है। तो पूरा दिखाने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फोटोज़ हैं और बहुत सारी रस्में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए